कांग्रेस अध्यक्ष की नागरिकता और डिग्री पर सवाल, अमेठी से निर्दलीय प्रत्याशी ने उठाए सवाल, नामांकन पत्र में दी गई जानकारी पर जताई आपत्ति, 22 अप्रैल तक राहुल गांधी को देना है जवाब, भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा को चुनाव आयोग का नोटिस। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में रैलियां, एटा में कहा 23 मई के बाद खत्म होगी बुआ बबुआ की दोस्ती, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा स्पीड ब्रेकर दीदी की नींद उड़ी। तीसरे चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कर्नाटक और केरल में रोड शो, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सुपौल में जनसभा, यूपी के रामपुर में महागठबंधन की रैली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा वंशवाद कांग्रेस की जिम्मेदारी, जाति धर्म और वंशवाद आधारित दलों को नकारेगी जनता, देश का मूड बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और विदेश सचिव विजय गोखले कल से दो दिवसीय यात्रा पर चीन रवाना, चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ होगी बातचीत, मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रयासों में अहम हो सकती है यात्रा।